श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भगवती सूत्र में महासतियों की चर्चा चल रही है, जिनमें आप जयंती श्राविका के विषय में सुन रहे थे। इन चर्चाओं और कथाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये कथाएं तो हैं ही, परंतु साथ में इन कथाओं में सिद्धांत का निरूपण भी है। सिद्धांत एक ऐसा विषय होता है जैसे कि गणित है। गणित के बारे में अधिकांश लोग कहते हैं बड़ा शुष्क विषय है, लेकिन भारतीय ऋषियों ने, विद्वानों ने उसको भी आनंद का विषय बनाया। बात थोड़ी सी अटकर होगी। भारतीय गणित का एक पुरातन शास्त्र है, नाम है लीलावती। लीलावती में गणित सिखाया गया है, लेकिन गणित को वहाँ आनंद बना दिया। वो कैसे बना दिया, अब ये तो दूसरा पक्ष होगा। उसका उदाहरण यह है कि वहाँ संख्या बताकर इसको इसमें जोड़कर कितने बने, घटाकर कितने बने, ऐसे नहीं बताया। जैसे एक उदाहरण, एक बागीचे में फूल खिले हुए थे, कुछ कन्याएं वहाँ पर आती हैं और फूल चुनती हैं, उनके पास फूल हो जाते हैं और ये कन्याएं परस्पर में बात करती हैं, तू एक फूल मुझे दे दे, मेरे फूल तेरे फूलों से इतने अधिक होंगे, और वो कहती है तू एक फूल दे दे, मेरे फूल इतने होंगे, और यूं ऐसे उदाहरणों के द्वारा गणित समझाया गया। यहाँ जो चर्चा है भगवती सूत्र में, जो कथानक आए हैं, ये कथानक मात्र कथानक नहीं, क्योंकि ये सब तो इतिहास बनता है। इन सब में सिद्धांत रहा हुआ, और वो समझना है, जैसे हमने कल चर्चा की थी, सिद्धांत को लेकर के चर्चा की थी, जिसमें जीवों के मोक्ष जाने की बात थी, किस तरह से बताया गया। जयंती श्राविका के ये प्रश्न कुछ और भी हैं, ये सब सिद्धांतिक प्रश्न हैं। मैंने अभी बात जब शुरू की तो कहा
कि महासतियों का वर्णन चल रहा है, तो आप तत्काल सोच गए होंगे महासतियों का नहीं श्राविकाओं का को। श्राविका और श्रावक पूर्व भूमिका है, इसके आगे इसके ऊपर तो फिर जो स्थान है वह साधु का है। जयंती श्राविका ने प्रश्न पूछे, भगवान से समाधान पाया और उन सब से उसके मन के अंदर वैराग्य भाव जागृत हुआ इस रूप में कि मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए अगर मोक्ष पाना है। बिना पुरुषार्थ के मोक्ष नहीं होगा। तो बंधुओं, जयंती श्राविका ने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेकर साधना की थी और फिर साधना करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था और वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई थी, मोक्ष में गई थी। कितना उज्ज्वल और अद्भुत चरित्र हुआ, कैसा महान चरित्र हुआ, किस तरह संयम लिया, साधना की और मोक्ष में गए। महासतियों का और भी जिक्र चले, बड़ा रोचक और आनंदप्रद है। आप सभी जानते हो कि भगवान का अगर हम गृहस्थ जीवन का परिचय जानना चाहें तो थोड़ी सी बात कर लेते। भगवान के पिता, जिनको हम सांसारिक शब्द से कहें या पूर्व अवस्था में कहें, राजा सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी और ये स्वयं सहित तीन भाई बहन थे। कौन? भगवान महावीर। ये स्वयं सहित तीन भाई बहन थे। बड़े थे नंदीवर्धन, भगवान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद में फिर इनकी बहन थी, उसका नाम था सुदर्शना। क्या नाम था भाइयों? सुदर्शना। और फिर उनसे छोटे थे, कभी कभी तो बड़ा लगता है मन को भगवान जी जब छोटे होंगे कैसे होंगे, कितना अद्भुत होगा, उनकी बाल लीलाएं, उनकी बातें कितने विलक्षण और विचित्र होंगी, उनकी महावीर की भगवान की बाल अवस्था में कितने कमाल के बातें हों। छोटे यूं कहें, भगवान साथ जोड़ करके छोटे वाले महावीर थे। बंधुओं, नंदीवर्धन बड़े होने पर राजा बनते हैं। राजा जब पिता का स्वर्गवास हो गया तब राज्य का अधिकारी कौन बने, ये प्रश्न आया था। नंदीवर्धन जानते थे वर्धमान महावीर बहुत बुद्धिमान है, इसकी बात कभी काटी नहीं जा सकती, कभी बदली नहीं जा सकती, जो ये कहता है पिताजी भी इसकी बात मानते थे और वो भी इसके मुख से सुनना चाहते थे कि ये समस्या है क्या समाधान होगा, और उस सहज में ये कह दिया करता, ये बहुत बहुत बुद्धिमान है।
साथ में ये वर्तमान बहुत शक्तिशाली है, इसमें तो गुण ही गुण भरे हैं। ये जितना अच्छा राज चला सकता है इतना कोई नहीं चला सकता। इसलिए नंदीवर्धन ने चाहा था, सोचा था कि राजा इसे बना दिया जाए, ये राजा बन जाएगा, व्यवस्थाएं और भी सुंदर हो जाएगी। अतः नंदीवर्धन ने स्वयं से कहा था, राजा कौन होगा? इस प्रश्न के उत्तर में ये तो बड़ा स्पष्ट है, राजा वर्धमान होगा, मेरा छोटा भाई, बहुत बुद्धिमान है जो, बहुत शक्तिशाली है जो, वो होगा। सब ने अपनी अपनी बातें करी थी और वर्धमान ऐसे थे जैसे पहाड़ों से पानी बह जाए, वहां किसी बात को लेकर कोई कुछ भी उनके लिए अर्थ ही नहीं था, कुछ नहीं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बात कर रहा उनके बारे में, किसके बारे में, कुछ नहीं, उन्हें निष्प्रिय है एकदम। पहाड़ों से पानी बह गया, बात कर ली होगी जिसने कर ली, वर्धमान को कोई मतलब ही नहीं। आखिर जब यह प्रसंग उपस्थित हुआ कि राज तिलक वर्धमान को किया जाए, और वर्धमान ने बड़े सहज से कहा, परंपराओं का पालन करो, एक वाक्य ने उनकी सारी योजनाएं सारी बातें धो करके रख दी, परंपराओं का पालन करो, कोई नहीं काट सका। मंत्री भी थे वहां, सब थे। नंदीवर्धन बड़ा चाहते थे कि वर्धमान राजा बने, और नंदीवर्धन को राजा बनाया। ये तो महावीर कथा की बात हो जाएगी आगे। दो वर्षों के बाद फिर वर्धमान ने, महावीर ने दीक्षा ले ली। घर रहे नंदीवर्धन जो राजा बने, और उनकी बहन क्या नाम, सुदर्शना, घर रहे। बंधुओं, जैसे लोक रीति हैं, लोक रिवाज हैं, उनके अनुसार सुदर्शना का विवाह कर दिया गया। नंदीवर्धन ने बड़े शोभा के साथ में अपने बहन का विवाह कर दिया। और यूं जैसा दुनिया में कहते हैं कि बेटी बहन तो पराया धन होती हैं, वह चली गई। उसका अपना घर था, अब अपना जीवन है, सब कुछ अपना, और वह सुख का जीवन संसार दृष्टि से जी रही थी। और फिर समय से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, सुदर्शना को। बंधुओं, उस पुत्र का नाम जमाली रखा गया। जमाली का लालन पालन हुआ, पोषण, समय आया, शिक्षा भी दी, जमाली बड़ा होता है। बंधु हो, ये सब राजा नंदीवर्धन अपना राज चला रहे हैं, सुदर्शना अपने घर में आनंद के साथ में है, महावीर अपनी साधना में है। उन्होंने तो संसार छोड़ दिया था और वे अपनी साधना में चले गए थे, परंतु तार कुछ अभी और जुड़ने हैं, बात अभी और शेष रहती है। जब वर्धमान घर में थे, महावीर घर में थे, तो उनके सामने विवाह का प्रसंग आया था, और फिर उनका जैन धर्म की एक परंपरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार
यशोदा नाम के कन्या के साथ उनका विवाह हुआ था। दूसरी परंपरा के अनुसार उनका विवाह नहीं हुआ था। तीर्थंकर घर में जब रहते हैं, उनका विवाह हो या ना हो ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न कुछ और है। और तीर्थंकर थे, उनके विवाह हुए थे, महावीर संतानें थी, महावीर का विवाह हुआ तो क्या बात है, हो जाए तो क्या बात है। इस परंपरा के अनुसार विवाह हुआ था, उस परंपरा के अनुसार विवाह नहीं हुआ था, ये उलझन की बात नहीं है। बात आगे है, यशोदा को एक यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या का नाम प्रियदर्शना रखा गया था। बंधु वो कुछ घर में बड़े नाम अद्भुत से हैं, बहन का नाम सुदर्शना है, भगवान महावीर की बहन का नाम, और बेटी का नाम क्या है, प्रियदर्शना है। सुंदर कन्या थी और वही सब लालन पान पोषण कन्या बड़ी होती है। कुछ बातें इतिहासकार कथा में कह जाते हैं, हर चीज़ के बारे में ये कब हुआ, कैसे घटा, कहाँ, वो नहीं हो पाता। महावीर साधना के मार्ग पर चले जाते हैं। इस महावीर की पुत्री प्रिय दर्शना के विवाह का प्रश्न आता है।